गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप शर्मा. डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम सेंडिंग यू द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द ज्योग्राफी चैप्टर 3 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. तो बच्चों, आपका जो एफ क्वेश्चन शायद हमने आपको भेजा नहीं था, तो फिर भी आप देख लीजिएगा. पहला है इसमें आपका जो 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपका जो वह है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का है एफ. विच मिनरल आर फाउंड इन साउथ अफ्रीका. तो इस जनरल वे में आप क्या करना है, जो साउथ अफ्रीका में जो आप जाएंगे तो साउथ अफ्रीका में कौन कौन से मिनरल्स हैं उनको केवल आपको लिखना है. जैसे आपको हमने दिया है एज ए आंसर में आपको दिया है, थोड़ा आप देख लेंगे यहाँ पर. मिनरल्स फाउंड इन साउथ अफ्रीका, गोल्ड, प्लेटिनम, ग्रुप ऑफ मेटल, क्रोम और एंड मैगनीज. अदर मिनरल्स में कॉपर है आपका, आयरन है, क्रोमियम है, यूरेनियम है, कोबाल्ट एंड बॉक्साइड है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाई इज कोल नाउन एज ए बरीड सनसाइन, यानी कि कोल को बरीड सनसाइन किस लिए बोलते हैं. तो इसमें दिया है एज ए प्लांट डेड, जैसे कि प्लांट जो हैं टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, कट जाते हैं, दे सेंक टू द बॉटम ऑफ द स्वैम्प. तो वो क्या है, स्वैम्प का मतलब होता है दलदल, तो दलदल में वो जमीन के नीचे जो है वो दब जाते हैं. एंड इवेंचुअली गोट बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, और जो अर्थ का जो सरफेस है उसमें वो बरीड हो जाते हैं. बरीड का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बर्न करना है, बरीड का मतलब एक प्रकार का कंबशन है कि धीरे 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 हीट एंड प्रेशर से वो कन्वर्ट हो जाते हैं एज ए कोल में. वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस. आपको पता है एज ए कोल आपको फॉसिल फ्यूल्स में आता है, टू टेक्स ए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यू. दैट ए वाई कोल इज आल्सो नाउन एज ए बरीड सनसाइन. ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये पूरा समझाया हुआ है आपको. वाट इज क्रूड ऑयल, क्रूड का मतलब है कच्चा तेल. क्रूड ऑयल क्या, जमीन के अंदर से जो तेल निकाला जाता है वो पहले क्या मिक्सर तेल होता है, उसमें कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल सब कुछ होता है. तो उसको रिफाइनरीज में हम क्या प्योरीफाई करते हैं, तो कच्चे तेल को हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं. इसमें पेट्रोलियम भी है, डीजल भी है. ठीक है, इसको हम जो है क्रूड ऑयल कहते हैं. इसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट है, ठीक है, इसका जो मेथड जो आपका दिया है, इट इज़ मेथड ऑफ द ड्रिलिंग मेथड, यानी कि ड्रिल के द्वारा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका जो है समरसीबल जैसे हम लगाते हैं फिर पानी निकालते हैं, इसी प्रकार से हम क्रूड ऑयल को भी ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, तो उसे ड्रिलिंग मेथड बोलते हैं हम. अब आता है नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ विंड एनर्जी. सिंपल वे है, जो विंड से जनरेट होती है एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड द विंड एनर्जी. ठीक है, इट इज़ ए टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, क्योंकि ये क्या है, इसको रिन्यू कर सकते हैं बार बार, तो इससे क्या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में ये आता है, और ये आपका इन्वायरमेंटल फ्री भी होता है, फ्रेंडली भी होता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन व्हाई इज सोलर एनर्जी कंसिडर्ड टू बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली. देखिए, जितने भी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो हमारे पहले से यूज़ हो रहे हैं, उनमें आपको मालूम है स्मोक भी निकलता और बहुत सारी जो है हार्मफुल ग्रीन हाउसेज गैसेज भी निकलती है जो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करती हैं या पोल्यूटेड करती हैं. लेकिन जब हम जो है एनर्जी रिसोर्सेज एज ए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी को, तो वो किसी प्रकार की भी इस प्रकार का जो गैस वो नहीं छोड़ती है. जैसे इसमें आपका दिया गया मीथेन दिया गया है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया हुआ है, कार्बन फुटप्रिंट्स एट होम एंड अबोर्ड, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज हमने आपको बता दिया था. तो ये सारी गैसें वो इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व नहीं करती है, यानी कि वो किसी प्रकार का स्मोक नहीं छोड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि इट इज़ ए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज. अब आता बायोगैस. ठीक है, बायोगैस क्या है, हाउ इट इज़ यूज्ड. बायोगैस इज़ ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ध्यान कर लेना आप. ये दोनों क्या है आपकी हार्मफुल गैसेज हैं, प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट, दैट इज़ यूज एज ए फ्यूल. तो वो क्या है, एज ए फ्यूल में यूज़ की जाती है. यूज़ ऑफ द बायोगैस, बायोगैस इज़ यूज एज ए फ्यूल, इट कैन बी यूज फॉर एनी हीटिंग पर्पज़, यानी किसी चीज़ को हमें हीट करना है, गर्म करना है, सच एज कुकिंग. कुकिंग में क्या होता है, हम हीट एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप आग जलाएं जब भी होगा. अगर आपका जो चूल्हा है अगर वैसे ही गर्म कर रहा है तो वैसे ही भोजन बन सकता है. तो ये हीटिंग यूज़ में भी, मतलब हीटिंग पर्पज़ से हम खाना बनाने में भी इसे यूज़ कर सकते हैं. इसमें क्या है, इट कैन आल्सो बी यूज
इन ए गैस इंजन, जो गैस के इंजन होते हैं, गैस से चलने वाले इंजन्स होते हैं, उसमें भी ये यूज होती है। यानी कि आप गाड़ी भी चला सकते हैं आप इससे, खाना बनाने के बना अगर इंजन है आपके पास में, तो इंजन जहाँ जहाँ यूज होता है अगर गैस का, तो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। द एनर्जी इज गैस इन टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जो ये एनर्जी है इसको हम क्या, इलेक्ट्रिसिटी और हीट में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वाट इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, जो मेटल्स होते हैं उसके न्यूक्लियस को तोड़, जैसे तोड़ते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होता है, हमारे पास सिस्टम होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जब उसका न्यूक्लियस टूटता है, न्यूक्लियस का मतलब मिडिल पार्ट ऑफ एन एटम, किसी तत्व का एटम का मिडिल पार्ट को तोड़ते हैं उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस को तोड़ने से जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर पावर। और जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी इंडिया में क्या है, 7 जगह आपका जो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मिलेगा मोस्टली। एक तो आपका आपका सबसे पहला नरोरा आपका बुलंदशहर में ही है, ठीक है, ये क्या है, कुदनमुल्क है आपका, आपका जो है यहाँ पर देखिएगा तारापुर है महाराष्ट्र में, ये आपके 10th के बोर्ड में भी आते हैं, कलपक्कम है तमिलनाडु में है, नरोरा आपका बता ही दिया, कैगा आपका कर्नाटक में है, ठीक है, काकरापारा आपका गुजरात में है, ठीक है, और राजस्थान में भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से है आपका, ये थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से आपके वो केवल 3 है, उसको थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे। इसमें क्या दिया है आपका, डिफाइन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, मैंने बताया था आपको नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो पहले से हमारे परंपरा में यूज़ नहीं होते, जिन्हें हम मोस्टली एंशियंट टाइम से हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे आपका फायरवुड है, कोल है, ये पेट्रोलियम है, हम बहुत काफ़ी पहले से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो रिसेंटली अभी कुछ वर्षों पहले हमने यूज़ करना शुरू किया है, तो उसे हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कैन बी डिस्क्राइब एज द रिसोर्सेज विच आर नेचुरल इनएग्जस्टेबल एंड रिन्यूएबल, लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, ये सारे हैं। अब आते हैं कहाँ कहाँ ये किस प्रकार कौन कौन से हैं, इसके केवल टाइप दिए, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है और बायोगैस है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बिल्कुल देखिएगा जी, द मिनरल वेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसमें क्या केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मिनरल्स आपको लिखने हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट है, गोल्ड है, डायमंड है, आयरन है, टिन है, निकिल है, यूरेनियम है, कॉपर है, लेड है, जिंक है एंड द मैगनीज है, ठीक है। यहाँ पर आपका कालगुरली और कुल ग्रडिक में भी आपके गोल्ड डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं। अब एशिया की बात करें, जहाँ पर हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पर कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, आयरन है, टिन है, लेड है, एंटीमोनी एंड द टंगस्टन, क्रूड ऑयल एंड द नेचुरल गैसेस पाए जाती हैं। अदर्स में बॉक्साइड है, निकिल है, जिंक है, कॉपर इज आल्सो फाउंड, ये सारे एशिया में पाए जाते हैं, जो हमारा कॉन्टिनेंट भी है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब आता है सी, सी को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, केवल आप इसको ये ध्यान करना है कि मिनरल्स कैसे बाहर निकाले जाते हैं। जैसे माइनिंग है, माइनिंग का मतलब है खानों के द्वारा, यानी खनन करके द्वारा, यानी खोद करके जो ज़मीन के नीचे से निकाले जाते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग मैंने आपको बता दिया, पेट्रोलियम जैसे निकालते हैं, जैसे आपका समरसीबल लगाते हैं उससे पानी निकालते हैं। एंड क्वेरिंग का मतलब क्या है, जो जगह आपको दी गई है वहाँ पर मान लिया कोई सामान है, मतलब पत्थर है या पहाड़ी है या हिल्स है, तो उसको हटा करके उस जगह से उसके फिर आसानी से फिर जो हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये आपके सभी आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे, तो आई होप कि आपने पूरा चैप्टर तैयार किया होगा और इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेंगे। Thank you. Have a nice day.